आलिया की तारीफ में कुछ ऐसा बोले रणबीर कपूर, सुनकर कटरीना को आ सकता है गुस्सा। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के अफेयर की चर्चा भी टाउन में इन दिनों जोरों पर है। दोनों करण जौहर की फिल्म ब्रह्मास्त्र में साथ काम कर रहे हैं। फिल्म के सेट के अलावा दोनों अक्सर मूवी डेट और डिनर डेट पर देखे जाते हैं। सोनम कपूर की शादी के रिसेप्शन पर साथ पहुंचकर दोनों ने इन अफवाहों को और गर्म कर दिया था। सोनम कपूर के रिसेप्शन की एक फोटो आलिया ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर डालकर यस लिखा था। इसके बाद कई लोगों ने कहा था कि आलिया भट्ट अपनी तरफ से मीडिया में आ रही खबरों पर मुहर लगा चुकी हैं। इससे पहले रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर ने आलिया की फोटो पर कमेंट कर अपना प्यार जताया था। वहीं जब रणबीर कपूर से कटरीना कैफ को प्यार था, तब नीतू सिंह उन्हें पसंद नहीं करती थी। रणबीर से रिश्ते खत्म होने के बाद हाल ही में कटरीना ने उनकी मां नीतू कपूर को इग्नोर कर दिया था। फिर रणबीर के पापा ऋषि कपूर और मां नीतू कपूर की तरफ से भी इस रिश्ते को हामी मिल गई। हाल ही में जीक्यू मैगजीन को दिए इंटरव्यू में रणबीर ने अपने और आलिया के रिलेशन की बात काबूली थी। उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ अभी नया है, इसके बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। अब एक बार फिर रणबीर आलिया के साथ अपने रिश्ते पर बोलते नजर आए। आलिया के बारे में रणबीर ने कहा कि प्यार में होना एक तरीके की खुशी है। मैं अपने जीवन में काफी पॉजिटिव हूँ और इसका श्रेय मैं आलिया को देता हूँ। आलिया बहुत नई एक्टर हैं। मुझे 10 साल हो गए हैं, उन्हें अभी 6 साल हुए हैं। रणबीर ने आलिया के तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, आलिया बहुत डेडिकेटेड हैं। इस उम्र में इतना डेडिकेटेड होना बड़ी बात होती है। अपने काम को लेकर काफी फोकस्ड हैं। वह बेहतरीन अभिनेत्री तो हैं ही, साथ ही काम करने वाले लोगों के साथ भी काफी हेल्पफुल रहती हैं। बता दें कि आलिया को तो रणबीर के परिवार का अप्रूवल भी मिल गया है। आलिया के 25वें बर्थडे को मनाने के लिए रणबीर की मां नीतू कपूर भी बुल्गारिया पहुंच गई थीं। वहीं कुछ दिन पहले रणबीर की बहन रिद्धिमा ने आलिया को एक ब्रेसलेट गिफ्ट दिया था। अब देखना यह है कि दोनों का रिलेशन कितनी जल्दी शादी के बंधन में बनता है।